एक बार फिर से जेडीज किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वाद के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। ये सामग्री है, आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन। इन छोटे छोटे बैंगन को हम स्वादिष्ट मसालों से स्टफ करके बनाएंगे। सिसमी सीड 1 टेबल स्पून, 8 से 10 लहसुन की कलियां, अजवाइन 1 टीस्पून, धनिया जीरा पाउडर 2 टीस्पून और टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर का टुकड़ा 1 इंच, आधा कप हरा धनिया है, कोकोनट है फ्रेश कोकोनट, जेगरी है, इमली है और फुदीने के पत्ते हैं 1 टेबल स्पून। दोस्तों ये सारे मसाले स्टफिंग के लिए है। ये पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, जिंजर, गार्लिक और ये कोकोनट, इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे और स्टफिंग में यूज़ करेंगे। दोस्तों ये आधा कप गाठिया है, फरसान है, 2 टीस्पून इमली है और 2 टीस्पून जेगरी है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके हम मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। और ये 1 टीस्पून अजवाइन है और 2 टीस्पून सिसमी सीड है, तिल है, इसे भी हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे। बैंगन को अच्छी तरह से धोने के बाद इसको ऐसे काट लेंगे, इसके हम 4 हिस्से कर लेंगे, मगर इसको आखिर तक नहीं काटना है। बैंगन खाने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि बैंगन डाइट्री फाइबर से भरपूर है, इसमें विटामिन बी और कॉपर भी पाया जाता है। इसमें मैंगनीज, विटामिन B6, नाइसिन, पोटाशियम, विटामिन सी और फॉस्फोरस भी है। ये सारे बैंगन में हमने चीरा लगा लिया है। अब मैरिनेशन के लिए 1 टीस्पून हल्दी और ये हींग डाल दी 1 टीस्पून, ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसको डालकर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। स्वादानुसार नमक डाल दिया और उसको मिला लिया। और दोस्तों ये मैरिनेशन को हम बैंगन में अच्छी तरह से भर लेंगे ताकि मैरिनेशन का स्वाद बैंगन में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ये दोस्तों इसमें हमने कुछ अलग किया है, कुछ नया किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और मेरा ये दावा है जिसे बैंगन की सब्ज़ी पसंद नहीं है उन्हें एक बार ये सब्ज़ी बना के खिलाइए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उनको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। ये सारे बैंगन हमने मैरिनेशन से कोट कर लिए हैं और 2 घंटे तक इसको हम साइड में रख देंगे। दोस्तों ये 2 घंटे के बाद हमारे बैंगन मैरिनेट हो गए हैं। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग में धनिया, पुदीना, कोकोनट, सिसमी सीड, कैरम सीड, इन सभी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया है और उसमें हम धनिया जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और उसमें ये सिसमी सीड और अजवाइन, उसको भी क्रश कर लिया है, उसे भी डाल देंगे। अजवाइन और सिसमी सीड को थोड़ा बचा के रखेंगे जो हम बाद में यूज़ करेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाकर हम स्टफिंग को रेडी कर लेंगे। ये हमारा स्टफिंग रेडी है, इसे हम बैंगन में स्टफ कर लेंगे, अच्छी तरह से स्टफ कर लेंगे। बैंगन में मसाला स्टफ कर लिया है, हमारे बैंगन रेडी है। अब गैस चालू करेंगे और कढ़ाई गर्म होने पर 2 टेबलस्पून ग्राउंडनट ऑयल डालेंगे और तेल गर्म होने पर 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड डालेंगे और ये 1 टीस्पून हींग डाल दी। और दोस्तों ये जो मसाला बचा था सिसमी सीड और अजवाइन को भी डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा तेल बराबर गर्म हो चुका है, अब उसमें हम बैंगन डाल देंगे। ये आवाज़ मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, लेकिन बैंगन को थोड़ा जला लेंगे। दोस्तों एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कुछ अलग सोचो, कुछ अलग करो और 5 मिनट के बाद इस बैंगन को थाली से ढक देंगे और उसमें पानी डालकर भाप से पकाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों बैंगन का कलर चेंज होने लगा है। और आधा कप गर्म पानी डालकर थोड़ा मिक्स कर लेंगे और उसे ढककर पका लेंगे। दोस्तों बैंगन में हमने आधा कप दही डाल दिया है और देखिए दोस्तों तेल ग्रेवी से अलग हो चुका है, उसका मतलब हमारा बैंगन तैयार है। बैंगन को एक धुंगारी अरोमा और फ्लेवर देने के लिए पैन में प्याज रखेंगे और उसके ऊपर जलता हुआ कोयला रखेंगे।
और जलते हुए कोयले पर घी डालकर तुरंत ढक देंगे। आप देख सकते हैं कि स्मोक से पूरा पैन भर गया है। 10 मिनट के बाद स्मोक का अरोमा और फ्लेवर बैंगन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ये स्मोकिंग फ्लेवर बैंगन के स्वाद को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है, बैंगन के स्वाद को बढ़ा देता है। अब देखिए दोस्तों, धुआं गायब हो गया है और उसको ढक्कन निकाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि धुएं का स्वाद पूरे बैंगन में बैठ जाए, स्वाद को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दोस्तों, ये धुंगारी बैंगन की सब्जी तैयार है, जिसको हम लाल मिर्च और हरे धनिया से गार्निश करेंगे और भाखरी के साथ सर्व करेंगे। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और एक ख़ास बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक आज्ञा दें, धन्यवाद।